साहब हैं, पकड़वाए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। साढ़े पाँच तक तो ठीक था, साढ़े पाँच साढ़े चार था, साढ़े पाँच पे आ गए। नहीं नहीं दरअसल है क्या ना, हम लोग सोचे थे कल करेंगे, अभी मतलब जानते हो कि प्रतियोगी वाले थे, काम काम इंडस्ट्री के छात्र थे, काम प्रतियोगी इसको ये पूछ सकते हो। बारह ये अभियुक्त जो है इस मैक के धंधे का सरगना है, जो इलाहाबाद में थोक मात्रा में बाराबंकी जनपद से इस मैक ला करके यहाँ पे फुटकर बेचता है अलग अलग थानों में, और इसके टीम के लोगों को अभी हमारे अलग अलग थानों ने सबने पकड़ा भी है जो इसके सदस्य थे, और उन लोगों ने इसका नाम बताया था कि पप्पू सोनकर है जो हम लोगों को ला करके देता है माल, बाहर से लाता है, कहाँ से लाता हम नहीं जानते। तो हमारी क्राइम ब्रांच और कैंट की टीम जो है इसमें लगी हुई थी, और इसमें भी इससे पूर्व धूमनगंज में घूरपुर कीटगंज आदि थानों में सब पकड़े गए थे, और ये सूचना के अनुसार जो टीम हमारी लगी हुई थी ब्लड बैंक के पास एक कार में एक आदमी मिला जो मुखबिर, और उसके हिसाब से तो ये पप्पू सोनकर मिला, जिसकी तलाशी लेने पर ये इतनी मात्रा में जो करीब इंटरनेशनल मार्केट में करीब 10 लाख का स्मैक है जिसको ये अपना मिक्स करके करीब 20 लाख का बेचता, ये पकड़ा गया है, और इससे हमारी टीम को बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिली है, और ये स्मैक के धंधे से ही अभी धनतेरस में इसने ये होंडा सिटी कार इसने ख़रीदा है, इसके पास से एक पिस्टल 9 mm, 2 कारतूस, 12 बोर का एक कारतूस मिला हुआ है, और इसके पास वो तराजू और उसके बटखरे जो इसको बेचने में चीज़ें यूज़ होती हैं सब चीज़ें मिली हैं, इसके पास से पैसे भी नकद मिले हैं करीब 30,000, और ये वांछित है इसका क्या नाम ननका सोनकर जो इसका भतीजा है, और इसके अभी टीम के लोग हैं घूरपुर के रहने वाले, और अन्य कई थानों में जो इसके लोग हैं, अभी विश्वनाथ एक पकड़ा गया तो उसका भाई है धूमनगंज का, वो भी इसमें वांछित है, तो कई इसके टीम के लोग हैं जिनको हमें अभी पकड़ना है जिससे कि इस पूरे इनके जाल को हम ख़त्म कर सकें। यहाँ पे ये समाज के लिए बहुत बड़ा कोड था, ये इसको समाप्त करना ज़रूरी था। अच्छा, इसका इतिहास कुछ है सर? आपराधिक इतिहास, इसके आपराधिक इतिहास है, ये कई बार पकड़ के जेल भी गया हुआ है, और इसको इस बार हम लोग करके, और इसका जो गैंग संचालित कर रहा है इससे आर्थिक कमाई कर रहा है, हम लोग इस पर गैंगस्टर भी लगाने जा रहे हैं।